हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली कॉमन फूड एलर्जीज के बारे में। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में ये एलर्जीज कॉज करती हैं, इनके साइंस क्या होते हैं और आपको सिचुएशन में क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को टारगेट देते हैं 2000 लाइक्स का और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको खाने से आपके बच्चों में एक एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। ये रिएक्शन बच्चा टू बच्चा डिफरेंट होते हैं। सबसे कॉमन रिएक्शन होता है कि बच्चे के पेट में एकदम से दर्द होता है, बच्चे को बॉडी में काफ़ी ईचिंग हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ केसेस में नोज ब्लीडिंग हो जाती है, स्टमक में आपको ऐसे लगता है कि एकदम क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या फिर लूज मोशन या वॉमिटिंग आ जाती है। और बहुत ही अगर सिवियर तरह की फूड एलर्जी है तो उसमें बच्चे की ब्रीदिंग के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है या फिर उसकी बॉडी में एक टिंगलिंग सेंसेशन आती है या जो उसकी स्पीच है वो थोड़ा सा लड़खड़ाने सी लग जाती है। बट ये बहुत ही सिवियर केसेस होते हैं। टिपिकल फूड एलर्जीज के साइन जो मैंने आपको बताए वो होते हैं। अब ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको खाने से बच्चों में एलर्जी सबसे कॉमन देखी जाती है, तो मैं आपको ये लिस्ट शेयर करती हूँ। एग्स, मिल्क, वीट, नट्स, स्पेशली पीनट्स, सोय, ट्री नट्स काफ़ी बच्चों को सूट नहीं करते हैं, एंड सी फूड से भी बच्चों को बहुत एलर्जी देखने को मिलती है। स्पेशली कुछ तरह की फिश होती है जैसे ट्यूना या फिर सैल्मन, और सी फूड होता है जैसे प्रॉन्स, श्रिम्प्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये सब खाने से बच्चों में एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सबसे कॉमन फूड आइटम्स है जिनकी वजह से बच्चों में एलर्जीज देखी जाती हैं। ऑल्दो हर बच्चे की बॉडी और बॉडी का रिएक्शन अलग होता है, तो कई बार बहुत सिंपल सी चीज़ें जैसे एक बनाना से भी एक बच्चे को एलर्जी हो सकती है, बट ये बहुत रेयर देखा जाता है। मैं आपसे यहाँ पर एक कॉमन लिस्ट शेयर कर रही हूँ। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि बच्चों का जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं 6 मंथ्स के बाद, हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हम बहुत ही स्लो स्टेप्स लें एक एक फूड उन्हें इंट्रोड्यूस करने में, और हर फूड इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे हम 3 दिन का एक टेस्ट लें, बेसिकली देखें कि बॉडी पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चों को इस चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। स्पेशली चीज़ें जैसे कि एग, बोला जाता है कि आप 1 साल के बाद शुरू करो, पीनट्स बोला जाता है आप 1 साल के बाद शुरू करो, सी फूड स्पेशली लॉबस्टर, श्रिम्स, क्रैब तो लोग 3-3 साल तक बच्चों को नहीं शुरू करते हैं, काफ़ी पुश करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। बट होता क्या है कि काफ़ी बच्चों में ये एलर्जी हेरिडिटरी भी होती है, तो आप वो कभी भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनकी बॉडी में वो एलर्जी आपको मिलेगी। ऑल्दो गुड न्यूज़ ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है, काफ़ी बच्चे इस एलर्जी से बाहर निकल जाते हैं, उनके वो एलर्जिक रिएक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। जबकि रिसर्च बताती है कि जैसे जिन बच्चों को मिल्क की एलर्जी होती है, 80% बच्चे 16 साल तक की एज में उस एलर्जी से बाहर निकल जाते हैं। सिमिलरली जिन बच्चों में इनिशियल पीरियड में एग रिलेटेड एलर्जी देखी जाती है, 50% बच्चे 2 to 9 ईयर के एज ग्रुप में उस एलर्जी से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे को उससे एलर्जिक रिएक्शन है तो मतलब लाइफ में कभी भी वो ये चीज़ नहीं खा पाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ हो सकता है कि ये एलर्जी चली भी जाए, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो एलर्जी आपके साथ लाइफ लॉन्ग रह जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि एज पेरेंट्स हम क्या करें। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप जब ये एलर्जी नोटिस करते हो, जब भी आप एक नया फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हो, सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि आप उसे इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस करो। जैसे अगर मैंने बच्चे को एग इंट्रोड्यूस करना है बट मैंने उसे पैनकेक के फॉर्म में एग दिया, तो मुझे नहीं पता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट ऑफ द पैनकेक उसकी बॉडी पे सूट नहीं किया, उसने एक एलर्जिक रिएक्शन थ्रो किया। तो मुझे एज अ इंडिविजुअल फूड एग को इंट्रोड्यूस करके देखना चाहिए कि उसकी बॉडी ने उसको अडेप्ट किया या नहीं। जब आपको ये लगे कि एलर्जी है तो आप ये डॉक्टर से डिस्कस करो। डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे कि किस एज तक आपको बच्चे को उस चीज़ से दूर रखना चाहिए। ऑल्सो अगर ऐसा एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है तो आप SOS मेडिकेशन में क्या दे सकते हो, ये आपको डॉक्टर्स बताएंगे। तो आप हमेशा वो SOS मेडिकेशन अपने साथ घर पे रखो और कहीं जा रहे हो तो कैरी करो। दूसरा, अगर आपको पता चल गया कि ये फूड मेरे बच्चे को एलर्जी कॉज करता है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप कोई भी चीज़ लेने से पहले, स्पेशली पैक्ड फूड्स लेने से पहले, उनके इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है या नहीं, और आप फिर उसको टोटली अवॉइड करो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेक श्योर बच्चों के जो केयर गिवर्स हैं या बच्चे आपके अलावा जहाँ पे भी जाके खाना खाते हैं,
वहाँ पे सबको इसके बारे में बताओ। कई बार ऐसे देखा गया है कि स्कूल में अगर हम इन्फॉर्म नहीं करते तो बच्चों को वहाँ पे रिएक्शन आ सकते हैं, या बच्चा एक प्ले डेट पे गया, वहाँ पे बच्चे ने जाके चीज़ खा ली, उनको पता ही नहीं है कि बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है, तो एकदम से रिएक्शन आ सकता है। ऑल दो रिएक्शन मेजॉरिटी केसेस में मिनिमल रिएक्शन ही होता है जो हैंडल किया जा सकता है, बट यू डोंट वॉन्ट कि वो सिवियर रिएक्शन में कन्वर्ट करे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बच्चे को कोई भी एलर्जी है तो प्लीज़ इन्फॉर्म। एंड लास्टली मैं ये बोलूँगी कि एक होता है फूड एलर्जी और एक होता है फूड इनटॉलरेंस, तो आप दोनों से कन्फ्यूज मत होइएगा। कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनको खाने से बच्चे को एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि उस खाने से बच्चे को एलर्जी है, सो डोंट कन्फ्यूज इट। उसका मतलब ये है कि मे बी उन चीज़ों को आपको प्रेपरेशन का तरीका आप थोड़ा अलग कर सकते हो, जिस टाइम पे आप वो चीज़ देते हो बच्चे को वो अलग करके ट्राई कर सकते हो, या फिर चीज़ ही को अलग ट्राई कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, कई बच्चों को काउ मिल्क सूट नहीं करता है, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, बट जब उन्हें बफेलो मिल्क दो तो वो सूट कर जाता है, तो ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल से समझ आता है। सिमिलरली काफ़ी लोग हैं जो रात के टाइम भिंडी या राजमा नहीं खाते हैं क्योंकि उससे उनको काफ़ी गैस या ब्लोटिंग फील होती है, बट दोपहर को खाने से, क्योंकि दोपहर के बाद आपकी एक्टिविटी वगैरह होती है तो डाइजेशन हो जाता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फूड इनटॉलरेंस को फूड एलर्जी के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिए। फूड इनटॉलरेंस हो रही है तो देर आर बेटर वेज ऑफ प्रिपेयरिंग और गिविंग दैट फूड, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। हमने अपने चैनल पे बहुत वीडियोस करे हुए हैं बच्चों की सॉलिड्स जर्नी से रिलेटेड, कब स्टार्ट करना है, क्या साइंस होते हैं, फर्स्ट फूड्स क्या हैं, फूड चार्ट्स डाले हुए हैं टिल अ लॉन्ग एज ग्रुप, सो वो जाके जरूर चेक कीजिए, आपको हमारे चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, एंड ऑल द बेस्ट, इन्जॉय योर फूड जर्नी विद योर किड्स।